मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठक की गई, जिसमें कुल 32 एजेंट पर मोहर लगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल एजेंडों पर लिए गए निर्णय की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। राज्य सरकार ने अपने यहाँ सरकारी छुट्टी कैलेंडर 2024 की मंजूरी दी है। 2024 के लिए सरकार के ऑफिस में छुट्टी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की है। बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 में कुल 56 दिन छुट्टी होगी, जिसमें रविवार में कुल 6 छुट्टियां भी शामिल हैं। कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंड अधिकारी न्यायालय के तहत 15 दिन, ऐच्छिक छुट्टी कुल 20 दिन और एनआईए के तहत कुल 21 दिन छुट्टी होगी। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय में विज्ञान ब्लॉक G+7, नए बालिका छात्रावास 02 ब्लॉक G+9 और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए आज बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 1,63,60,29,000 रुपए की राशि खर्च होगी, समेत कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। भुगतान के लिए यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार अपने मत से राशि का भुगतान करेगी। यह 9,98,00,000 रुपए होगी, जो कि 1,127 मदरसों में विज्ञान शिक्षक जो SPQEM भारत सरकार से राशि नहीं आई है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि अपनी राशि से बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अधिनियम 2023, ये ऑलरेडी एक्ट पास हो गया था, इसके अन्य रूल्स भी पास हो गए थे। ये रेगुलेशन है, इसका संचालन कैसे होगा, ये तो इसका विनियमन जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किया। 2024 में बिहार सरकार के कार्यालयों में कौन से अवकाश होंगे, उसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। इसमें हर साल ये स्वीकृत होता है, अगले साल की कौन से छुट्टियां स्वीकृत होती हैं, राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है और ये कैबिनेट ने स्वीकृत किया। मैं इसके अवकाश की सूची मैं PRD डिपार्टमेंट को दे देता हूँ और आपको एक प्रतिलिपि उपलब्ध करा देंगे कि अगले साल के अवकाश के बारे में। बहुत लंबी सूची है, मैं पूरी सूची आपको दे दूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको प्रकाशन में सुविधा होगी। मैं पूरी सूची आपको दे दूँगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो भार प्रेषण केंद्र है, एक्चुअली जो लोड बैलेंसिंग यूनिट है, होता यह था कि अगर आप बिजली ग्रिड से उठाते हैं, अगर ज़्यादा उठाते हैं तब भी फाइन लगता है, कम उठाते हैं तब भी फाइन लगता है। तो लोड बैलेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और काफ़ी फाइन लग जाता है हर साल। पिछले साल भी फाइन लगा, इस साल भी फाइन, मतलब उससे पहले साल भी फाइन लगा। तो इसको बचने के लिए लोड बैलेंसिंग जो सेंटर है उसको सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 44.51 करोड़ की इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी और लोड बैलेंसिंग हो सकेगा। इसमें डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म को नियंत्रित करने तथा संचालन प्रणाली में बेहतर स्थिरता प्रदान करने हेतु यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। आपको पता होगा मुख्यमंत्री नवीन एंड नवीकरण ऊर्जा योजना जल जीवन हरियाली अंतर्गत राज्य में सभी सरकारी भवनों में के छत पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट की स्थापना, विभिन्न कार्यालयों में सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण और लगाया जा रहा है। इसी का सुपरविजन करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 29,30,00,000 रुपए की स्वीकृति ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन है ब्रेडा जो है जो संचालित करती है जो कार्यान्वयन करती है ब्रेडा ये सौर ऊर्जा का दी। स्वास्थ्य विभाग में न्यायिक सेवा का एक पद सृजित था, तो सब जज का था, उसको उत्क्रमित करते हुए अब जिला ने। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण कृषि ऊर्जा गृहनगर विकास और आवास पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा सामान्य प्रशासन शिक्षा स्वास्थ्य राजस्व और भूमि सुधार पशु और मत्स्य संसाधन योजना और विकास मंत्री मंडल सचिवालय जल संसाधन और वित्त विभाग से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति दी है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।